Hello students, welcome back. Today in this lecture we are going to study about air and water. So let us begin this lecture with air. So what is air? As you all know that air is a mixture of gases. It is a mixture of gases. This mixture of gases, it forms the atmosphere, or we can say that the atmosphere that is present above us, it is basically air. So it forms the atmosphere present above us. तो ये होगी डेफिनेशन एयर की. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एज यू हैव स्टडीड इन योर जूनियर क्लासेस दैट 78% ऑफ वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन. 78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन गैस एंड 21% ऑफ एयर इज ऑक्सीजन गैस एंड इन रेस्ट 1% इट कम्स रेस्ट ऑफ द गैसेस. तो बाकी जो बची हुई गैसेस हैं वो 1% के अंदर आ जाती हैं. तो मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर is nitrogen. So we can write that most abundant gas in the atmosphere, kaun si hogi? That is nitrogen gas. And the second most abundant गैस इज ऑक्सीजन गैस. अब देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा अबंडेंट गैस नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. इसके बाद भी सबसे ज्यादा कंपाउंड्स जो अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब क्या हुआ? द ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज अ रिएक्टिव गैस एंड इट रिएक्ट्स विद मेनी एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड दीज कंपाउंड्स आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ. तो एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट रिएक्टिव गैस जो है वो कौन सी हो गई? ऑक्सीजन गैस. O2 गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर is reactive and hence it combine with elements to form compounds. और इसी वजह से अर्थ क्रस्ट जो है उस पर ज्यादातर कंपाउंड्स ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलते हैं. तो आप यहां पर लिख सकते हो, ड्यू टू दिस रिएक्टिव नेचर द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ are in the form of oxides. और आपने अगर पढ़ा हो और याद हो, almost 50% of mass of the earth is due to the element oxygen which is present on the surface of earth. तो इस oxide, इस reactive nature के कारण oxide की formation होती है, और यही oxides जो हैं वो अर्थ की सरफेस का ज्यादातर पार्ट बनाते हैं. तो ये हो गया एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट हैं,
इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पर रिएक्टिव गैस नहीं होती। आप यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए, नाइट्रोजन गैस ऑल दो प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट डू नॉट फॉर्म मैनी कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स अनरिएक्टिव नेचर। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के जितनी रिएक्टिव नहीं होती, कम रिएक्टिव होती है। और ये कम रिएक्टिव क्यों होती है, ये हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी। देयरफोर द नाइट्राइड्स और द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन आर नॉट फाउंड इन अ लार्ज अमाउंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो ये बातें जो है वो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में याद रखनी है। ऑक्सीजन गैस रिएक्टिव क्यों है, इसका आंसर आपको मिलेगा MOT डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल जो हमने 11th क्लास में बनाया था। तो MOT डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस का जो MOT डायग्राम बनता है, इसके अंदर π*2px1 और π*2py1 ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और जैसा कि आपने पढ़ा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में होगा तो वो उस मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देगा, वो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से वो रिएक्टिव हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के MOT डायग्राम में ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन जो है वो एक रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अगर हम नाइट्रोजन गैस की रिएक्टिविटी कम है ये एक्सप्लेन करें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी MOT डायग्राम से ही आता है जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा रहता है, अनरिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है और नाइट्रोजन गैस कम रिएक्टिव क्यों है एटमॉस्फेयर के अंदर, इस चीज़ का रीज़न। अब देखिए बच्चों, हमने जो लास्ट में लिखा कि 1% जो गैसेस हैं ये रेस्ट ऑफ दी गैसेस आ जाती हैं, इसमें से भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो शेयर करता है वो 0.03% शेयर करता है CO2 गैस। 1% के अंदर भी अगर हम देखें तो 1% में लार्ज शेयर जो है वो CO2 गैस का रहता है। और आपको पता ही होगा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस जो प्रेजेंट होती है, धीरे धीरे इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये CO2 का परसेंटेज शेयर है और बाकी जो है वो इसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन जो है वो इन नोबल गैसेस से पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेयर में कौन सी नोबल गैस सबसे ज़्यादा अबंडेंट होती है। तो आप ध्यान रख लेना, आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन द एटमॉस्फेयर। मैं नोबल गैस की बात कर रहा हूँ, इन द एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएंगे कुछ की पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इतना परसेंट शेयर होता है और सबसे ज़्यादा अबंडेंट नोबल गैस जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है दैट इज़ आर्गन। अब हम चलते हैं एटमॉस्फेयर के क्लासिफिकेशन के ऊपर जो हमने पढ़ा था साइंस में छोटी क्लासेस में। सो दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ की सरफेस पे जो एटमॉस्फेयर कवर करता है हमें, इसको इन लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रैटोस्फेयर,
मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एंड लास्ट इज एक्सोस्फेयर दीज आर द फाइव लेयर्स इन विच द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर जो है वो 0 से लेके 10 किलोमीटर तक की हाइट तक लाई करता है इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर आता है इसकी हाइट है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर से शुरू होगा 50 किलोमीटर तक जो है वो इसकी हाइट तक स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर होती है ये लेयर आती है 50 से 85 किलोमीटर तक तो 50 किलोमीटर पे मीजोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा 85 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड होगा थर्मोस्फेयर की बात आती है तो ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम 85 to 500 किलोमीटर ये थर्मोस्फेयर की रीजन रहेगी और ये होता है 500 से 1600 किलोमीटर तक सो दीज आर दी लेयर्स इन विच एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर जो है ये सबसे ज़्यादा डेंस लेयर होती है एटमोस्फेयर की क्योंकि जो हैवी गैसेस होती हैं जो ज़्यादा हाइट पे राइज नहीं कर पाती वो सभी गैसेस इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं तो इट इज द मोस्ट डेंस लेयर ऑफ एटमोस्फेयर सबसे ज़्यादा डेंस लेयर होती हैं सेकेंड पॉइंट जो क्लाउड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है वो यहीं पर इसी लेयर के अंदर हो जाती है क्लाउड फॉर्मेशन ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है ड्यू टू दी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स तो आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में वो सभी इसी में ही पाए जाते हैं नेक्स्ट की पॉइंट आप जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हाइट पे जाएंगे एज वी इंक्रीज द हाइट The temperature decrease as we move up in troposphere. The temperature decrease. इस बात का प्रूफ आपको हिली रीजन्स में दिख जाता है प्लेन एरिया जो है उससे जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होती है तो हिली रीजन्स में हिमालयाज जो है जहाँ पर हाइट ज़्यादा हो जाती है हमारी वहाँ पर आपको जो है वो स्नो फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है थ्रू आउट द ईयर तो स्नो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है जब हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इसी वजह से हमारे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाते हैं तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है ट्रोपोस्फेयर के अंदर वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तब ये हो गया और इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड लेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर सो आफ्टर ट्रोपोस्फेयर कम्स स्ट्रेटोस्फेयर दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर और इसकी हाइट होती है 10 से लेके 50 किलोमीटर तक इट इज द सेकंड लेयर यहां पर आपको एक लेयर मिलती है दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट अ हाइट ऑफ अबाउट 11 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इसका मतलब क्या हुआ कि इस लेयर के अंदर जिसकी रेंज 10 से लेकर 50 किलोमीटर है अराउंड 11 किलोमीटर जो है उसके अराउंड आपको एक लेयर मिलती है दिस इज द ओजोन लेयर ओजोन लेयर का रूल क्या है ये हमें पता ही है ओजोन लेयर इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन तो हम यहीं पर लिख लेते हैं ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस From the harmful UV radiations coming from the sun. ये हो गया stratosphere,
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस जोन। तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं एरोप्लेन जो है वो बादलों से ऊपर उड़ते हैं। तो बादल किस लेयर में बन रहे थे? ट्रोपोस्फेयर के अंदर। तो इसका मतलब स्ट्रेटोस्फेयर जो है उस रीजन में एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, काफी हाइट के ऊपर फ्लाई करते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर इज द रीजन इन विच एरोप्लेन फ्लाइज। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, इन विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर द एरोप्लेन्स फ्लाई। तो आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द एटमोसफेयर। द आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। आफ्टर दैट वी कम टू मीजोस्फेयर, दिस इज द थर्ड लेयर। मीजोस्फेयर, तो इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफेयर एंड इट कंटेन गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अ फ्यू आयंस। तो इट लाइज इन द रेंज 50 to 85 किलोमीटर। इट इज द थर्ड लेयर। इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इट ऑल्सो कंटेन्स आयनिक गैसेस सच एज O2 पॉजिटिव। इसके अंदर गैसेस जो हैं उनका आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन गैस जो कि प्रेजेंट है इसके अंदर, ये आयोनाइज हो जाती है और कुछ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं वो भी यहाँ पर आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आयंस की फॉर्म में आपको गैसेस मिलनी शुरू हो जाती हैं, इस वजह से इस लेयर के अंदर जब हम राइज करते हैं तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये पॉइंट लिखेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस लेयर एज वी राइज अबाव। तो ये हो गया मीजोस्फेयर के बारे में। मीजोस्फेयर इज द लेयर इन विच टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। फोर्थ लेयर इज थर्मोस्फेयर। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है थर्मोस्फेयर, थर्मो का मतलब होता है हीट। तो ये लेयर भी जैसे हमने मीजोस्फेयर में देखा था कि टेम्परेचर राइज होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मीजोस्फेयर जब से शुरू होती है उसके बाद में जब तक थर्मोस्फेयर ख़त्म होती है तब तक टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होता रहता है। तो इन बोथ दीज लेयर्स द टेम्परेचर इंक्रीजेज, और वी कैन से दैट टेम्परेचर राइजेज। तो थर्मोस्फेयर वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं आयंस की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इट की रेंज जो है वो 85 से लेके और 500 किलोमीटर ये रेंज रहेगी इन दिस लेयर। टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। क्यों इंक्रीज होता है? इन आयनिक गैसेस की प्रेजेंट की वजह से। इट कंटेन गैसेस सच एज ओ सॉरी O2+, O+, NO+, एक्सेट्रा। सो दीज आर द गैसेस दैट माइट बी प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन्स भी आपको इस लेयर के अंदर मिल सकते हैं। तो दीज आर द गैसेस दैट फॉर्म्स द थर्मोस्फेयर। क्योंकि ये आयन से मिलके बनी हुई होती हैं, तो यहाँ पर आपको एक की पॉइंट नोट करना है
मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर बिकॉज आर मेड अप ऑफ आयंस, आयंस से मिलके बनी हुई होती हैं ये दोनों लेयर, इस वजह से हैंस दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स एंड हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में ये दोनों लेयर। तो अर्थ की सरफेस से कोई टावर है जहां से आप सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करते हो, तो ये मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर जो है वो इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देती है और किसी दूसरे प्लेस के ऊपर फोकस कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें हम इन दोनों लेयर का यूज करते हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयंस एंड दे रिफ्लेक्ट द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एनी टावर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर लेना। दिस इज कॉल्ड द लेयर विच हेल्प्स इन कम्युनिकेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट लेयर, दैट इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये लास्ट लेयर होती है और ये एक्सटेंड होती है इन द आउटर स्पेस, और यू कैन से दैट यूनिवर्स। तो यहां पर हम लिमिट लिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इट इज अ लिमिटलेस लेयर। तो इसकी लिमिट हम लिख देते हैं 500 से 1600 किलोमीटर। तो इट इज द लास्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इट एक्सटेंड्स टू आउटर स्पेस। एक की पॉइंट इस लेयर के बारे में, इस लेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो जाता है। तो इन दिस लेयर द टेम्परेचर में डिक्रीज टू फ्रीजिंग लेवल्स ड्यूरिंग नाइट एंड मे इंक्रीज टू हाई लेवल्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो ये हो गया हमारे पांच लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जो मिलके एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन करती हैं। एंड एटमॉस्फेयर विच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंड आउट ऑफ दीज गैसेस द मोस्ट अबंडेंट गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन गैस, द सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस इज ऑक्सीजन गैस, एंड द मोस्ट रिएक्टिव गैस दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन गैस ड्यू टू द टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। अब हम चलते हैं बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस होती हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। कई बार सवाल जो है वो डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो देखो, CO2, मीथेन, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज सीन इन आवर एटमॉस्फेयर। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वॉट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये गैसेस जो हैं इनके आप नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिर्फ NDA की ही बात नहीं कर रहा, और जो बाकी के एग्जाम्स होते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग होते हैं, जैसे कि SSC हो गया या और कोई बैंक से रिलेटेड एग्जाम, उसमें भी ये जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार ऑप्शन दे देगा आपको, चार ऑप्शन, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो आपको ये पांच नाम याद रखने होंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखो
हमारी अर्थ जो है इसकी सरफेस पे सन की रेडिएशंस आके गिरती है, और इन सन की रेडिएशंस के अंदर क्या होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी इज प्रेजेंट इन दी रेडिएशन। ये जब रेडिएशन अर्थ की सरफेस पे गिरेगी तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है अर्थ को, जिसकी वजह से अर्थ की जो है वो सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इसका मतलब ये गर्म हो गया, और जब सरफेस गर्म हो जाएगा अर्थ का तो ये एक हीट रेडिएट करनी शुरू कर देगा। हीट रेडिएटेड इन दी फॉर्म ऑफ IR रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस की फॉर्म में ये हीट को रेडिएट करना शुरू कर देती है अर्थ की सरफेस। ये जो IR रेडिएशंस रेडिएट हुई अर्थ की सरफेस से, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन CO2 गैस, मीथेन, वाटर वेपर्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन, ये गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं तो ये इन IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से इन गैसेस की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, और हम ये कह सकते हैं इन गैसेस का टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा तो गैसेस कहाँ हैं, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, एट लास्ट गर्म हो गया। तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी रेडिएशंस रेडिएटेड बाय द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये गैसेस एटमॉस्फेयर में कम अमाउंट में होंगी तो ये हीट जो है वो कम ट्रैप होगी, और कम ट्रैप होगी तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। तो देखो कंटिन्यूसली हम क्या करते जा रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो ऐसी गैसेस कह लो या पॉल्यूटेंट कह लो जो हम कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में ऐड करते जा रहे हैं। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब के अंदर यूज होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या अदर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इन दोनों का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, इसकी वजह से अर्थ से जो हीट रेडिएट हो रही है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में अर्थ की सरफेस से जो हीट रेडिएट होती है उसकी ट्रैपिंग की वजह से हमें देखने को मिलता है, एंड दीज आर दी गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो हमें किसी भी तरीके से इन गैसेस के प्रोडक्शन को कंट्रोल करना होगा अगर हमें अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाए रखना है तो। अदरवाइज यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो धीरे धीरे ड्रास्टिक हो जाएंगी, जो हमारे सर्वाइवल को ही एट लास्ट थ्रेट करने लगेंगी। तो ये था ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, प्लीज रिमेंबर दीज नेम, दीज आर दी इम्पॉर्टेंट गैसेस विच कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज वाटर के ऊपर। वाटर, वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अगर पानी नहीं होता तो शायद अर्थ की सर्फेस के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट विच इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फॉर्मूला आप सबको पता ही है, फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में कंबाइन करती हैं, तो अगर हम रेशो बाय एटॉमिक मास लेते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, दो एटम है तो 2 × 1 दैट इज 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो यहाँ पर रेशो आ गया, और वी कैन से दैट 1:8, दिस इज द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, दिस इज द रेशो बाय एटॉमिक मास। अगर नंबर ऑफ एटम्स या एटॉमिक रेशियो लेते हो तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, ये एटॉमिक रेशियो हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना रहता है,
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, तो दैट विल बी 18 AMU. कैसे निकालते हैं आप सभी को आता ही होगा. अभी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो ये कितना रहेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 degree centigrade या फिर 273.15 Kelvin. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा वाटर का, 100 degree centigrade, और वी कैन से दैट 373.15 Kelvin. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. इसके बाद बात करते हैं वाटर की नेचर की, मतलब नेचर ऑफ वाटर दैट इज एसिडिक होगा या बेसिक होगा. तो आपको पता ही है नेचर ऑफ वाटर की अगर बात की जाए तो इट इज न्यूट्रल. बच्चों दो वर्ड यूज होते हैं वाटर के लिए. वाटर इज न्यूट्रल. न्यूट्रल कैसे बोला, जब इसकी पीएच को हम देखते हैं. लेकिन अगर हम इसके केमिकल बिहेवियर को या केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें तो ये बोला जाएगा इट इज एम्फोटेरिक. क्यों है ये एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं? एम्फोटेरिक इज दैट केमिकल सब्सटेंस विच कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस. सो विच कैन बिहेव एज एसिड एंड बेस. तो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर ये एसिड की तरह बिहेव करता है और दूसरी कंडीशन पे ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है एम्फोटेरिक. और ये एम्फोटेरिक वर्ड जो यूज होता है वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से यूज होता है. ठीक है, तो यहां पर हम पीएच की वैल्यू की बात कर रहे थे, यहां पर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. अब हम इनको समझ लेते हैं वाटर न्यूट्रल कैसे है. तो देखो बच्चों यहाँ पर एक टर्म आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट. डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको बोला जाता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द स्पीड ऑफ डिसोसिएशन. मतलब पानी जो है वो किस स्पीड से डिसोसिएट होता है या फिर टूटता है. तो वाटर कैसे टूटता है? वाटर टूटता है इस तरीके से, H+ और OH-, ये टूटने का तरीका है वाटर का. तो जब आप इसकी स्पीड देखेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर. और इसकी वैल्यू आती है 10^-14. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेसिकली यहाँ पर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, KW की वैल्यू 10^-14 आती है. अब देखिए इस वैल्यू से हम निकालते हैं पीएच स्केल. तो पीएच स्केल जो है वो हमने बनाई, इसकी वैल्यू आती है 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14. अगर कोई भी सब्सटेंस जिसकी पीएच वैल्यू 7 आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल. और अगर 0 से 7 आती है तो एसिड, और 7 से 14 लाई करती है तो बेस. तो पीएच वैल्यू अगर 7 है तो उसको न्यूट्रल बोला जाता है. पीएच वैल्यू 0 से लेके 7 है तो इसको एसिड बोला जाता है, और पीएच वैल्यू 7 से लेके 14 है तो इसको बेस बोला जाता है. तो क्योंकि वाटर जो है उसकी पीएच वैल्यू आपको 7 मिलती है तो इस वजह से इसको हम बोलेंगे इट इज न्यूट्रल. तो ये हो गई पीएच वैल्यू की बात और डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वाटर जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों बोला गया इसको ऐसा? तो इसके पीछे एक और टर्म है, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज द पावर टू सेपरेट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड एंटर बिटवीन देम. तो ये एक पावर है, पावर टू सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल्स. सबसे ज्यादा पावर जो है वाटर की देखने को मिलती है एज अ सॉल्वेंट. सो वाटर हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. वाटर हैज अ हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. देयरफोर हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मतलब ज्यादा पावर है, और ज्यादा पावर है तो ज्यादा चीजों को सेपरेट कर पाएगा. देयरफोर इट इज
एबल टू डिसॉल्व मैनी केमिकल्स इन इट्सेल्फ हैंस एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये हो गया रीजन कि पानी को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है। अब देखो बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो वाटर से रिलेटेड है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन या फिर जिसको हम प्रोटियम भी बोलते हैं 1H1, दूसरा होता है 1H2 ड्यूटेरियम, इसको हम डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, जिसको हम एच सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लास्ट इज ट्रीटियम, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O, मतलब इसमें नॉर्मल प्रोटियम ये वाला आइसोटोप वाटर का प्रेजेंट था, लेकिन वाटर एक और फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज D2O, एंड दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O, और इसमें हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप आ जाता है, दैट इज ड्यूटेरियम, तो ये बन जाता है हैवी वाटर, और हैवी वाटर को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो इसको आप जो है वो नोट कर लेना, हैवी वाटर का फॉर्मूला है D2O, यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप प्रेजेंट है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट इन D2O हैवी वाटर। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? D2O का मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे तो 2 × 2 + 16 दैट इज 4 + 16 तो 20 AMU, सो 20 AMU इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हैवी वाटर। इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूज किया जाता है हैवी वाटर का, ये पॉइंट आप नोट कर लेना। तो ये हो गया हैवी वाटर के बारे में। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट वाटर के बारे में, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, दिस इज रिगार्डिंग एक्शन ऑफ सोप। पानी को हमने क्लासिफाई कर रखा है दो कैटेगरीज में, कौन कौन सी है ये दो कैटेगरीज? वन इज हार्ड वाटर एंड अनदर इज सॉफ्ट वाटर। सो वाटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ सोप। क्या क्या है ये दो कैटेगरीज? पहला है हार्ड वाटर और दूसरा है सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर इन विच सोप फॉर्म्स फ्रूथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सोप एक्शन करती है। और हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? सोप डू नॉट फॉर्म फ्रूथ, जिसमें साबुन झाग नहीं बना पाती वो हार्ड वाटर कहलाता है, और जिसमें साबुन झाग बना लेती है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अब आ जाते हैं इस हार्डनेस और सॉफ्टनेस के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल है, वॉट इज द थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोराइड्स सल्फेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम are responsible for hardness of water. लेकिन ये hardness जो है इसको हम दो further categories में divide करते हैं on the basis of the methods that can be used to remove it. अगर hardness simple method से remove हो जाती है जिसमें किसी chemical treatment की जरूरत नहीं पड़ती तो उसको बोला जाता है टेम्पररी हार्डनेस। सो दिस हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप,
हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है टेम्पोरेरी हार्डनेस, टेम्पोरेरी हार्डनेस। टेम्पोरेरी हार्डनेस किसको बोला जाता है? दी हार्डनेस ऑफ वाटर दैट कैन बी रिमूव्ड, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड टेम्पोरेरी हार्डनेस। तो बाय सिंपल मेथड्स कह लो या बाय सिंपली बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो इसको टेम्पोरेरी हार्डनेस बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो CaHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड MgHCO3 होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों या इन दोनों में से कोई भी अगर प्रेजेंट होगा वाटर में, तो हार्डनेस हमें देखने को मिलेगी। पानी के अंदर साबुन जो है वो काम नहीं करेगी, और इस हार्डनेस को पानी को बॉयल करके सिंपली रिमूव किया जा सकता है, तो किसी केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी वाटर के अंदर जो हार्डनेस है वो बॉयलिंग से नहीं रिमूव हो रही, तो वहां पर हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। और इस परमानेंट हार्डनेस के पीछे क्या होता है? इस परमानेंट हार्डनेस के पीछे होते हैं क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो परमानेंट हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर पानी के अंदर CaCl2 या MgCl2 प्रेजेंट है, तो ये हो गए क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या फिर CaSO4 या MgSO4 प्रेजेंट है, तो ये हो गए सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इनमें से जो भी प्रेजेंट होगा उसकी वजह से पानी के अंदर हार्डनेस देखने को मिलेगी, और ये हार्डनेस सिंपली बॉइलिंग से रिमूव नहीं हो सकती। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करना पड़ेगा। तो इसको बोला जाता है परमानेंट हार्डनेस। किसी एक केमिकल सब्सटेंस का आप नाम बता सकते हैं जो आपने पढ़ा हो 9th या 10th क्लास में, जो यूज किया जाता है वाटर की हार्डनेस हटाने के लिए? तो देखो बच्चों, वॉशिंग सोडा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, दैट इज Na2CO3.10H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। इट कैन बी यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।